हाल ही में ऐसा लगता है कि कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ को प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। जी हाँ, ऐसे में भगवान के दर्शन करने पहुंची हैं कंगना रनौत। किस तरीके से तस्वीरें शेयर की, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को बता दें कि कंगना रनौत ने हाल ही में कई तस्वीरें शेयर की हैं। शिव जी के दर्शन करने पहुंची कंगना रनौत न सिर्फ अकेले बल्कि अपनी धाकड़ टीम के साथ वहां पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के साथ साथ इस फिल्म के लिए दुआएं मांगने भी गई। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कंगना रनौत अकेले नहीं बल्कि अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता, इस फिल्म के डायरेक्टर और भी कई स्टारकास्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। भगवान को जल अर्पण करते नजर आ रहे हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अर्जुन रामपाल के साथ कंगना रनौत की जोड़ी को भी बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो देखा आपने इन तस्वीरों में कंगना तो काफी खुश नजर आ ही रही है, लेकिन पूरी की पूरी धाकड़ की टीम जो है वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। आपको बता दूं कि इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना लिखती है, हर हर महादेव। धाकड़ की टीम के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और गंगा जी की आरती। 20 मई को रिलीज हो रही है मेरी फिल्म, जरूर देखिएगा। वेल, इसके पहले भी कंगना रनौत नजर आई थी धाकड़ फिल्म को प्रमोट करते हुए और तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हुए, वहां से भी उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की थी। ऐसा लगता है कि कंगना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के साथ साथ यानी कि धाकड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर अगर कोई फिल्म क्लैश कर रही है तो वो है भूल भुलैया 2। ऐसे में फैंस के बीच एक्साइटमेंट दोनों ही फिल्मों को लेकर बराबरी का है। तो देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में धाकड़ या भूल भुलैया कौन सी फिल्म सक्सेसफुल होती है। लेकिन हाँ, आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में। पक्का एजेंट अग्नि, बाय मैम। मैम मेरे रिपोर्ट आपसे, हाँ जाओ जल्दी जाओ।